ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम देखने वाले एक स्पेशल ट्रेलर। सो जुबिन गर्ग जी के हमने काफ़ी सारे सॉन्ग सुने हमारे चैनल पर, एंड उनकी ना मतलब मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि वो गाते इतना खूबसूरती से है। एंड आई होप उन्होंने मतलब ये जो काम किया है ना मूवी में, वो भी उतना ही शानदार हो। सो ये जो मूवी है शिकार नाम से, इसका आया हुआ है ट्रेलर। तो टीज़र पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो डालने में थोड़ी देरी हो गई एंड उसके बाद ट्रेलर ही आ गया। सो टीज़र डालू या नहीं ये सोच रही हूँ मैं, क्योंकि टीज़र पर वीडियो तो मैंने बनाया, लेकिन डालने में थोड़ी देर होने के कारण अभी ट्रेलर भी आ चुका है। सो अगर आप चाहते हो तो टीज़र का रिएक्शन वीडियो भी मैं डाल दूँगी। फिलहाल अभी हम ट्रेलर देखते कैसा है एंड उस पर ढेर सारी बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट, पहले ट्रेलर देख लेते कैसा है। আমার যে নিজের এক টুকুরা মাটি হই সচিয়ে নাই রাহি তুই আছি বলকে হে এ ঠাই ছোট মোটো একটা ঘর হই সুখে দুখে ভরাল এটা সংসারও হই তালি মারিবা টানি টানি তেহে পড়িবলু বর পানি মালিকৰ অকলে বাগানখনে নাই নহয়, হাজাৰটা বিজনেছ আছে, খাবলে ববলে সময় নাই। যদি মালিক ৰেশন বোনাস হস্পিটেল সব ঠিক কৰি নিদিয়ে বাগান টোটেল বন্ধ। I've discovered a route through which we can smuggle top quality marijuana all the way to Europe. You guys dream small. Maybe we can make a billion. The world is crazy about brown girls. Moke bodla lage, bodla. Kintu ebar jate keu gom na pay. Ashtome kot gol, ki hol, ami kot golu, konao jate gom na pay. Modern, things are not in shape. We need to catch up. We die, you die. Or else I will make sure you don't get a single penny. Shankar, listen to me. এই বিষয়ে আমি একো নাজানো. Trust me. কোন হয় তোমালো? টেররিস্ট? এক্সট্রিমিস্ট? কি করা তোমালোকে? মার্টিন, পলক, রাজেশ সবরে অ্যাড্রেস লাগে মো। এটা মোর জুজ। এটা শেষ নকলকে মই আপনা দাও। I'm Siri Pran Goswami. This is Kamosa, mostly used by people of Assam in northeast of India. Eta ki korbo? Shikar nije ay osorle. Mosola aibo. Mari bole aisu mari. Find out the motive. Masankar shikari. Shikar ko bole aisu. अरे तू थकले सब ठीक थक। सभ्य दुनियार खेलाई खत्म। जाने दुनिया मैं तेने को तो कहीं ना कहीं क्रेजी लग रहा था मुझे एंड काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रहा था, क्योंकि अभी ना वो गैंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर वाली या फिर हीरो वर्सेस विलन, मतलब हीरो वर्सेस विलन तो ये होगा, लेकिन वो गैंगस्टर वाली मूवीज़ देखकर ना कहीं ना कहीं थोड़े से पक चुके हैं हम, तो ऐसी कुछ अलग चीज़ें देखना चाहते हैं। एंड ये स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे कहेंगे ना हम इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे अलग लग रहा है थोड़ा सा। मतलब आप सोचिए, पहले उनकी लव स्टोरी दिखाएंगे, हीरो हीरोइन के बारे में हमें सब कुछ ऐसे मतलब हमारे इमोशंस उनसे कनेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद हीरोइन के साथ कुछ ऐसा होगा जिसका बदला हीरो लेंगे। एंड सोचिए उस वक्त मतलब क्या इमोशंस होंगे आपके, या फिर आप किस माहौल में होंगे थिएटर्स में। तो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ अलग फील हो रहा है। मतलब कैसे पता है कि कुछ अलग स्टोरी लग रही है एंड इंटरेस्टिंग भी लग रही है, एंड इससे ऐसा मन हो रहा है कि अभी कभी ये स्टोरी जो है, ये मूवी जो है वो देख लूँ। तो अभी शायद मुझे तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं ये मूवी देख सकूँ, लेकिन आप अगर ये मूवी देखेंगे तो मुझे प्लीज़ बताइए मूवी कैसी थी। एंड मुझे तो सच्ची में लग रहा है मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरह से वो अपने प्यार के लिए उसका बदला लेने के लिए मतलब बाहर तक दूसरे देश तक
चले जाते हैं एंड कहेंगे ना हम सात समंदर पार उसका बदला लेने के लिए चले जाते हैं एंड वहाँ पर वो कैसे बदला लेंगे क्या करेंगे ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी जुबिन गर्ग जी के बारे में, तो उनकी आवाज़ में तो जादू है ही, उनकी आवाज़ कमाल की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक्टिंग भी इतनी ज़बरदस्त करते एंड टीज़र में भी मैंने उनको देखा, सो में टीज़र में काफ़ी ज़्यादा शौक थी उनको, मतलब एक्टिंग करते हुए देखकर। एंड जो बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं जम पाता या फिर क्या कहेंगे हम, तो वो उन्होंने ना बड़ी इजीली कर दिखाया है, जिस तरह के इमोशन, जिस तरह से उन्होंने मतलब उस रोल में खुद को प्रेजेंट किया है या फिर उस स्टोरी को जीना, मतलब इतना बखूबी से उन्होंने निभाया कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो एक सिंगर है एंड एक्टिंग कर रहे हैं। एंड इसी वजह से ना मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की है एंड स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, आई होप ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल कर जाएगी। एंड मैं ट्रेलर देख रही थी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं आगे दिख पाऊँ। ये तभी होता है ना जब मूवी या फिर क्या कहेंगे हम ट्रेलर टीज़र वगैरह, इससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि मूवी कैसी होने वाली है या फिर मूवी वो अपना पहला दाव कहीं ना कहीं खेल जाती है जो ऑडियंस है उनके मन पर, कि उनके मन में वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि मूवी देखे जाकर। सो ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मूवी देखने में। एंड मूवी रिलीज़ होने वाली है 20 सितंबर को, तो जाकर ये मूवी ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि पास के थिएटर में जाइए, पास में थिएटर ना हो तो दूर तक जाइए, लेकिन ये मूवी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।